आज का जो हमारा टॉपिक है वो पांचवें भाव से संबंधित है। पांचवा भाव प्रेम संबंधों का होता है, पांचवा भाव संतान का होता है, आपके क्रिएटिविटी का होता है, आप कितनी क्रिएटिव हैं, आपके शौक का होता है, पांचवा भाव ज्ञान का भी होता है, आपके इंटेलिजेंस से संबंधित होता है पांचवा भाव। बहुत से बच्चे को आप देखते होंगे क्लास में, वो पढ़े लिखे यानी अपने घर पे होमवर्क कम करते हैं, पढ़ाई कम ध्यान देते हैं, लेकिन गुरुजी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें काफी इंटेलिजेंसी से आंसर देते हैं। ये सभी पांचवे भाव से ही होता है। पांचवा भाव काफी ज्यादा धन का भी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा और कोर्स खत्म होने के बाद भी मैंने जैसा कि आपको बताया है 6 मंथ का प्रैक्टिस सपोर्ट है, तो आपके सामने जैसे जैसे कुंडलियां आएंगी आपको पता चलता जाएगा कि सामने जो बर्थ डिटेल्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 नवंबर 1984 का है, टाइमिंग शाम में 5 बजे का है और प्लेस जौनपुर उत्तर प्रदेश का है। इसी के आधार पर हम पांचवे भाव में क्या फल देता है पांचवा भाव, उस भाव में सिर्फ एक भाव को आज हम आपको बता रहे हैं, प्रेम संबंध यानी लव अफेयर को। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है, किसी भी भाव का रिजल्ट उसका सब लॉर्ड देता है। जब आप देखेंगे तो इस बर्थ डिटेल्स के अनुसार पांचवे भाव का सब लॉर्ड शनि है। सब लॉर्ड यानी इसका हिंदी उप नक्षत्र होता है, और शनि अपने नक्षत्र के माध्यम से, शनि का नक्षत्र गुरु है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पांचवे का सब लॉर्ड जो शनि है क्या वह जातक को प्रेम संबंध दे रहा है। यानी यदि मानते हैं यह जातक जिनका बर्थ डिटेल्स है या कोई भी जातक जो आपके पास आए हों अपने प्रेम संबंध के बारे में जानने के लिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या उनकी डेस्टिनी में प्रेम संबंध है या नहीं है। इसको डेस्टिनी जानने के लिए जिस भाव से संबंधित फल जानना होता है उसके हम सब लॉर्ड का अध्ययन करते हैं। पांचवे भाव का सब लॉर्ड शनि है और शनि का संबंध 9वां भाव, 7वां भाव, 12वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव से इनकी कुंडली में बन रहा है, यानी 7, 9, 10, 11 और 12 भाव से। जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया हुआ है कि किसी के भी प्रेम संबंध को देखना है तो सब लॉर्ड या तो पांचवे भाव का या दूसरे भाव का या 11वें भाव को बताना चाहिए या उससे इसका संबंध होना चाहिए। थोड़ा सा और इसको विस्तृत कर जाएंगे तो वहां सब लॉर्ड जिन भावों को बता रहा है उन भावों से पांचवा भाव 1, 3, 5, 7, 9, 11 के रेशियो में जुड़े होने चाहिए, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ये समझ लीजिए कि यदि पांचवे का सब लॉर्ड दूसरे भाव, पांचवे भाव और 11वें भाव से संबंधित होता है तो जातक की किस्मत में प्रेम संबंध होता है। इस कुंडली के अनुसार पांचवे का सब लॉर्ड शनि 11वें भाव से जुड़ गया, यानी कहीं ना कहीं इनका प्रेम संबंध होगा। 9वां भाव पांचवे से पांचवा होता है, ये भी जुड़ा हुआ है, नहीं जो मैं आपको बता रहा था। पांचवे से पांचवे का जो लिंक होता है वह भी पॉजिटिव होता है प्रेम संबंध के लिए। पांचवे से सातवें का जो लिंक होता है ये भी पॉजिटिव होता है प्रेम संबंध के लिए, यानी कि हम क्लियरली कह देंगे कि इनका प्रेम संबंध है। दूसरा आपको जानना हुआ कि जातक की जो प्रेमिका होगी वो कैसी होगी, तो नक्षत्र के साथ साथ हमें थोड़ा, यानी जो पांचवे का सब लॉर्ड होता है उसके साथ साथ उसके नक्षत्र लॉर्ड का भी अध्ययन करना होता है। जैसे यहाँ पे शनि का नक्षत्र लॉर्ड गुरु है और किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है, इस स्थिति में जो प्रेमिका होंगी वो गुरु प्रधान उनका शरीर होगा, पर्सनालिटी होगा,
यानी ज्ञान, अच्छी पढ़ी लिखी ज्ञान वाला व्यक्ति, ऐसे ज्ञानपूर्ण बातें करता हूँ, चेहरा भरा पूरा यानी एकदम दुबला पतला नहीं। साथ ही साथ चूंकि नक्षत्र रु बना हुआ है तो पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, ये चीजें, और शनि और गुरु दोनों कनेक्टेड हैं तो मेहनती के साथ साथ ज्ञानी यानी काम को अच्छे तरीके से हैंडल करें, ये भी चीजें यानी काम चोरी की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये पांचवा भाव को हम समझ रहे हैं और पांचवे भाव में हम प्रेम संबंध को समझ रहे हैं। एक भाव से काफी चीजें देखी जाती है, इसलिए हम सिर्फ अभी इस पार्टिकुलर इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी कुंडली के आधार पर जातक के किस्मत में देखेंगे कि प्रेम संबंध है या नहीं, और साथ ही उनका जिससे प्रेम संबंध होगा उनकी क्या विशेषताएं होंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा क्लियर हो गया।